हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला निर्मित उर्वरक है, यानी ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका निर्माण भारत में सबसे पहले हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा SSP, यानी सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट भारत में पहला निर्मित उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत दिया था, यानी किस वैज्ञानिक ने पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नान एवं स्टाउट ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिया था। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पेपर में आया हुआ है। मैंने जो पिछली बार पेपर आया हुआ था उसका सॉल्यूशन चैनल पर डाला है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में रिपीट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक विस्फोट प्रकृति का होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट प्रकृति का उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की हमेशा कमी पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व है, जिसकी कमी हमेशा भारतीय मृदाओं में पाई जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कहलाता है? तो निकिल को 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन की क्रिया में तत्वों का रूपांतरण होता है। तो जो क्रिया है खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन, इसमें जो तत्व होते हैं वो स्थिर रूप से, यानी जो अनअवेलेबल रूप होता है उससे उपलब्ध रूप में अवेलेबल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया में तत्वों को उपलब्ध से स्थिर रूप में बदल दिया जाता है? यहाँ पर है स्थिर से उपलब्ध, मतलब मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण, और यहाँ पर है उपलब्ध से स्थिर, यानी इसका उल्टा, मिनरलाइजेशन का उल्टा हो जाएगा स्थिरीकरण, इमोबिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, CN रेशियो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 30:1 से अधिक हो जाता है तो फिर स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्थिरीकरण कब होता है। तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि जब कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30:1 से अधिक हो तब स्थिरीकरण की प्रक्रिया होगी, स्थिरीकरण मतलब मिनरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से नीचे होता है तो खनिजीकरण होता है, खनिजीकरण मतलब मिनरलाइजेशन होता है। जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से नीचे होता है तो खनिजीकरण होता है, और 30:1 से अधिक होता है तो स्थिरीकरण होता है। अगला है, जीवांश खाद दो प्रकार की होती है। जीवांश खाद मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है भारी या स्थूल जीवांश खाद, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, और सांद्रित कार्बनिक खाद या सांद्रित जीवांश खाद, इसे कहा जाता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती है इसमें FYM, कंपोस्ट, नाइट सॉइल, स्लज एवं स्लरी ये सब आते हैं। बाकी जो सांद्रित कार्बनिक खाद होती है इसमें खलियाँ आती हैं, केक्स और हड्डी का चूरा और ब्लड मील, ये सभी आते हैं। अगला है, अखाद्य खलियाँ हैं तो महुआ की खली, अरंडी की खली और नीम की खली, ये तीनों अखाद्य खलियाँ हैं और भी कई प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किसने विकसित की? तो कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो उनका नाम है हर्चिसन एवं रिचर्ड्स ने 1921 में कंपोस्ट बनाने की एडको विधि का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की, यानी किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो ए हावर्ड एवं यशवंत डी वार्ड, YD वार्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो ए हावर्ड एवं यशवंत डी वार्ड ने इंदौर विधि विकसित की। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने विकसित की? तो बंगलौर विधि LN आचार्य, ये क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आया हुआ है। कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने विकसित की? तो LN आचार्य ने। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, एडको विधि हर्चिसन एवं रिचर्ड्स ने और इंदौर विधि ए हावर्ड एवं यशवंत डी वार्ड ने, और कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि LN आचार्य ने। एक और हैं CN आचार्य, जिन्होंने खाई एवं ट्रंच विधि, जो कंपोस्ट बनाने की
सॉरी गोबर की खाद बनाने की FYM बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है वो है खाई या ट्रंच विधि, और खाई या ट्रंच विधि का विकास किया था CN आचार्य ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि FYM बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रंच विधि, ट्रंच मेथड। अगला क्वेश्चन है गोबर की खाद यानी FYM में NPK क्रमशः पाया जाता है, तो गोबर की खाद में NPK पाया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 0.5% और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 0.25% और पोटास की मात्रा पाई जाती है 0.5%, यानी 0.5, 0.25 और 0.5 ये होती है FYM में NPK। अगला क्वेश्चन है FYM का प्रयोग खेत में बुआई के कितने दिन पूर्व किया जाना चाहिए, तो जो गोबर की खाद होती है उसको खेत में बुआई के कम से कम 15 दिन पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। FYM का प्रयोग, गोबर की खाद का प्रयोग बुआई के 15 दिन पहले किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ट्रंच विधि से FYM कितने दिनों में तैयार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने, 3 महीने में तैयार होता है ट्रंच विधि द्वारा FYM। अगला क्वेश्चन है INM का पूरा रूप है, INM का पूरा रूप होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM का पूरा रूप क्या होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है ढांचा का वानस्पतिक नाम है, तो ढांचा का वानस्पतिक नाम होता है सस्मानिया एक्यूलाटा, सस्मानिया एक्यूलाटा ढांचा का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है ढांचा से प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो 77 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ढांचा से 77 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है अगर हम इसे हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट में NPK होता है यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास कितना होता है कंपोस्ट में, तो 0.89% होता है नाइट्रोजन, 1.24% होता है फास्फोरस और 0.4 से 0.5% होता है पोटास। अगला क्वेश्चन है रॉ बोन मील में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 3 से 4% रॉ बोन मील में 3 से 4% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीम की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नीम की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है 2.5%, 2.5% नीम की खली में पाया जाता है, और सा फ्लावर को कुसुम कहा जाता है, कुसुम की कली में 7.9% जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट बनाने की किस विधि में खाद को बार बार नहीं पलटना पड़ता है, तो ये है बंगलौर विधि, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि में जो खाद होती है उसको बार बार पलटना नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है और इंदौर विधि होती है, ये तो बंगलौर विधि है, इंदौर विधि होती है उसमें खाद को जो है 3 से 4 बार 15 दिन के अंतराल पर पलटना पड़ता है, तो ये पूछ लिया जा सकता है कि कंपोस्ट बनाने की किस विधि में खाद को बार बार पलटना पड़ता है, तो उसमें हो जाएगा इंदौर मेथड। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 2.5 से 3% नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है FYM बनाने की ट्रंच विधि किसने विकसित की, तो इसको आगे ही बता चुका हूँ कि CN आचार्य ने जो है FYM बनाने की ट्रंच विधि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है, तो हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल सनई होती है, इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोटालेरिया जेंसिया सनई का वनस्पतिक नाम होता है, और सनई जो है हरी खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है। अगला क्वेश्चन है हरी खाद भूमि में बढ़ाती हैं, तो क्या क्या बढ़ाती हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थ को और नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए किस कुल की फसल काम में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल को काम लेते हैं हरी खाद की फसल के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही, अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।